अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन स्टीम रोस्ट। 750 ग्राम के करीब मैंने इस मटन लिया हुआ है, ये जो कि बिल्कुल बड़े बड़े पीसेज में है। हमें छोटे पीसेज नहीं लेने हैं, सारे पीसेज बड़े लेने हैं। 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून सिरका लिया है। अब नमक और सिरका हम दोनों ही मटन में ऐड कर देंगे। और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मसाज करना है ताकि पूरी तरह सिरका और नमक मिल जाए और हमारा मटन बिल्कुल भी साफ़ हो जाए। इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं हमारा गोश्त हमारा बिल्कुल भी साफ हो चुका है। अब हम इसे पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। पानी से वॉश कर लेंगे। नमक और सिरका डालने की वजह से ये बिल्कुल भी साफ हो चुका है। अब इसे हम पानी से अच्छी तरह से मलमल कर साफ कर लेंगे। कुछ मसाले हैं मेरे पास। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, अजवाइन, एक चुटकी अजवाइन, एक चम्मच फूड कलर, एक गरम मसाला, एक चुटकी फूड कलर, आप अपने टेस्ट के हिसाब, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। दही है, दो बड़े चम्मच मैंने दही लिए हैं। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। एक नींबू का रस लिया है, जूस लिया है, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच चिली सॉस, आप रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं, एक चम्मच टोमेटो केचप और 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। चलिए अब हम इस सारे मसाले हम इसमें सब मसालों को गोश्त में मैरिनेट करके रख देते हैं। इसे हमें ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 3 से 4 घंटे भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। ये सभी मसाले हम इसमें डाल देते हैं। दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। सभी मसालों को हम अच्छी तरह इसमें मिला लेंगे। हमें इसे बिल्कुल ही अच्छी तरह मिला लेना है और ओवरनाइट के लिए हमें इसे मैरिनेट। मसाले बिल्कुल भी मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसे हम ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 3 से 4 घंटे भी इसे रख सकते हैं। गोश्त को स्टीम करने के लिए हमने 1 बर्तन में पानी लिया है। पानी को गर्म करने के लिए रख दिया। इसमें कुछ खड़े मसाले हम डाल देंगे। स्टीमर लिया है, उसमें हम फॉइल पेपर लगाएंगे। इसे अच्छी तरह हम लगा देंगे। और बीच में एक छोटा सा हम होल कर देंगे। इससे हमारे जो हमने पानी में खड़े मसाले डाले उसकी खुशबू हमारे मटन में आ जाएगी।
और हमारा गोश्त भी गल जाएगा। बहुत बड़ा होल नहीं करना है। और इसके ऊपर से अब हम बटर पेपर लगाएंगे। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है। सारे पीसेस हम ऐसे डाल देंगे एक एक करके। मटन को हमें बिल्कुल भी स्लो आज दम पकाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी धीमा कर देंगे और इसे 3 से 4 घंटे के लिए इसे हम ढक कर रख देंगे। ये धीरे धीरे पक जाएगा। बची हुई ग्रेवी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर से फिर से हम बटर पेपर से इसे अच्छी तरह से ढक देंगे ताकि इसके मसाले गिरे ना पानी में। इसे मैं अच्छी तरह से बटर पेपर से इसे ऊपर से भी कवर कर देना है। आप इसे कुकर में कुक कर सकते हैं लेकिन मैंने स्टीमर में किया है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देख सकते हैं मटन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इसमें हम ऊपर से नींबू ऐड करेंगे। चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।